हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सस्टेनेबल यील्ड से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है आपके नेटा नेट इन्वायरमेंटल साइंसेज के दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आया था, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम इज 1000 एंड इट्स ग्रोथ रेट इज 0.9 पर ईयर। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज 10,000। अज्यूमिंग ए लॉगिस्टिक ग्रोथ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज, व्हाट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड ऑफ द इकोसिस्टम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से सोल्व कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला है डेल एन अपॉन डेल टी मैक्स इज इक्वल टू आर नॉट के स्क्वायर अपॉन फोर के माइनस एन नॉट। यहाँ पे आर नॉट जो है वो है आपका ग्रोथ रेट, एन नॉट क्या है आपका इनिशियल पॉपुलेशन, और के क्या है कैरिंग कैपेसिटी। तो ये तीनों आपके इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, इनिशियल पॉपुलेशन भी दिया हुआ है और कैरिंग कैपेसिटी भी दिया हुआ है। तो अब हम इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। आपका ग्रोथ रेट दिया हुआ है 0.9, कैरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर डिवाइड बाई आपका 4 इंटू फिर से कैरिंग कैपेसिटी यानी कि 10,000 माइनस आपका इनिशियल पॉपुलेशन जो कितना है 1000। जब हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर, 2500 स्पीशीज पर ईयर, 2500 स्पीशीज पर ईयर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 2500 स्पीशीज पर ईयर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे मैंने सोल्व करके दिखाया है आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको कभी आए किसी भी एग्ज़ाम में तो आप बड़ी आसानी से उन्हें सोल्व कर पाएंगे। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।